जय हिंद माय डियर सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आ गया हूँ, मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं आ गया हूँ आपकी अपनी वोकैब की क्लास को लेकर, और काफ़ी आपको इंतज़ार था इस क्लास का, तो आपकी हाई डिमांड पे इस क्लास को लाया गया है। सो आप लोग जो है इसका इस पे प्यार अपना दिखाइएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इसको लाइक कर दिए जो भी फ्रेंड हैं जो कि नेवी एयरफोर्स तैयारी कर रहे हैं आर्मी की एनडीए की, वो लोग इस क्लास को ले सकते हैं। वोकैब तो सब में ही आती है, वोकैब तो कॉमन ही होता है, कॉमन पोर्शन। तो आप लोग उन लोगों को भी क्लास शेयर कर दीजिए जो कि इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग डेली बेसिस पे क्लास करना चाहते हैं, कि चाहते हैं कि आप लोग क्लास डेली मिले, तो इस क्लास पे कम से कम 400 से 500 लाइक्स होनी चाहिए 24 घंटे में, और 1.5K से 2K व्यूज़ आने चाहिए, तभी मैं डेली बेसिस पे क्लास लूँगा। नहीं तो मैं जो है हफ्ते में 2 से 3 दिन क्लास लूँगा, और वहीं से वोकैब आ जाएगा। अगर आप लोग डेली बेसिस पे क्लास चाहते हैं तो शेयर करना पड़ेगा आप लोगों के लिए भाई। चलिए ठीक है भाई, ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया है। तो ये अपनी वोकैब की आज पहली क्लास थी है, और मेरा नाम कुमार। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग, ये नीचे नंबर दिया गया है, इस पर आप लोग जो है मैसेज या कॉल 6 बजे के बाद, मतलब इवनिंग में 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप लोग जो है मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। उससे पहले भाई प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी बिज़ी रहता हूँ मैं कंटेंट बनाने में, और काफ़ी काम रहता है इससे, क्लास के पीछे काफ़ी बड़ी मेहनत रहती है। तो चलिए भाई अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। चलिए आज ये अपना पहला वर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल बताइए भाई, डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है? डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब होता है भाई घिनौना, घिनौना, गंदा, घिनौना, घिनौना होता है। जो लोग भाई हिंदी लिखना चाहते हैं मैं यहाँ पे लिखूँगा, और आप लोग जो है यहीं से नोट कर लीजिएगा, साथ में कॉपी लेकर बैठिए, और यहीं से जो है वोकैब की हिंदी आप लोग लिखते चलिए, मैं मुंह से बोलूँगा आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। डेस्पिकेबल मतलब होता है घिनौना, हिंदी तो लिख लेंगे भाई, इतना तो मैं आपसे जो है इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप लोग हिंदी लिखना आता होगा आप लोगों को, और जितना मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग जो है लिख लिख कर याद करिए, ठीक है, मेरे साथ लिख लिख कर याद करिए और रिवीजन करिए डेली बेसिस पे। आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता मैं बताता हूँ, आपका सिलेक्शन हो के रहेगा, अगर जितना मैं बोलता हूँ उतना कर लीजिएगा, क्वेश्चन कहीं से नहीं जाए, कहीं से भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। जितना बोलता हूँ उतना आप लोग रेडी रखिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डेस्पिकेबल है, DESDES और PICABLE, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल्स मीन्स होता है घिनौना, घिनौना। और इसका साइनोनिम्स क्या है? साइनोनिम्स डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग मतलब क्या होता है? डिस्गस्टिंग मतलब होता है गंदा, गंदा, घिनौना। और डिस्गस्टिंग क्या होता है? DISGUSTING, डिस्कस्टिंग, डिस्कस्टिंग मतलब क्या होता है? गंदा। डेस्पिकेबल का साइनोनिम क्या होता है? डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल, डिस्कस्टिंग, डेस्पिकेबल। डेस पे भाई पी के कोई छोड़ गया है, डेस्पिकेबल, रिलेट करिए ट्रिक से, रिलेट करिए, डेस पे कोई पी के छोड़ गया है, तो भाई डिस्क कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा, है ना। डिसगस्टिंग, डिसगस्टिंग किसको रिलेट करिए भाई? डिसगस्टिंग बताइए, डिसगस्टिंग इसको रिलेट करिए अपने हिसाब से। और मैं अगले वर्ड पे चलता हूँ। कंटेम्प्टेबल बताइए, कंटेम्प्टेबल बताइए, कंटेम्प्टेबल, CONTEMPTIBLE, कंटेम्प्टेबल मतलब होता है गंदा, घिनौना। और अपना एक वर्ड है रोटेन, रोटेन मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ, गंदा, घिनौना। ऑब्नोक्सियस एक होता है अपना वर्ड, ऑब्नोक्सियस, आप लोग जो एक्स्ट्रा एडिशनल बता रहा हूँ उसको भी आप लोग लिखते चलिए, ऑब्नोक्सियस, डिसगस्टिंग, रोटेन, कंटेम्प्टेबल, लोथसम, लोथसम मतलब क्या होता है? लोथ में नफरत होता है। अब कोई चीज़ गंदा, घिनौना है तो भाई नफरत तो करेंगे ही, है ना,
हेटफुल, हेट हेट का मतलब पता ही होगा आप लोगों के लिए, डिटेक्टेबल है ना, डिटेक्टेबल, रिप्रिहेंसेबल है ना, रिप्रिहेंसेबल, होप्स आप लोग बात समझ में आई होगी। और एक अपना वर्ड है अबोरेंट, अभोर नहीं, अभोर नहीं, अबोरेंट, अभोर नहीं। अब भाई गंदगी उससे सही नहीं जाती, अबोर नहीं है ना, गंदी नहीं सही, तो उसको नफरत होगा, अबोर नहीं, ठीक है। और आफुल होता है भद्दा, आफुल होता अपना का एक वर्ड आफुल, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसी में साइनोनिम्स इसके सब, आफुल होता है, ये भी गंदा भद्दा होता है ना। अब एक वर्ड अपना क्या, अपना क्या, हीनियस। आप लोग भी जो आपके मन में वर्ड आ रहे हो जो मैं भूल जाऊँ बताने को, आप लोग उसको टाइप कर सकते हैं उसमें ऑफलाइन कमेंट में, आपको रिप्लाई करूँगा। हीनियस, हीनियस मतलब भी होता है काफ़ी गंदा भद्दा, नफरत योग मतलब नफरत करने, भाई गंदा होगा तो भाई नफरत होगा गंदी चीज़ से, है ना। हीनियस, H E I N O U S, हीनियस, हीनियस होता है। अब एक होता क्या, ओडियस, ओडियस, ओ डी एस, अब वही ओडी से जाएगा भाई, घिनौना चीज़ देखा तो नफरत तो होगा ही, ओडियस, ओडियस। होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मतलब क्या होता है, घिनौना। और अपना सेकंड वर्ड होगा डिसगस्टिंग, कंटेम्प्टिएबल, लोथसम, हेटफुल, डिटेक्टेबल और रिप्रेहेंसेबल और अबोरेंट, और क्या बताया था, आफुल और हीनियस और ओडियस। मेरे साथ बोलते बोलते याद कर लीजिए भाई, जो भी पान वान खाया हो मुँह में थूक दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, काफ़ी मेहनत की जा रही है इस टाइम पर। आप लोग जो इस क्लास को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, मैं जितना बताया उतना करिएगा तो मैं डेली क्लास लूँगा। तो चलिए आज का अपना वर्ड, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक, है ना। समझ में आ गया है तो भाई बताइए, मैं चलता हूँ आगे, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। डिस्पिकेबल, डिसगस्टिंग, कंटेम्प्टिएबल, लॉथसम, हेटफुल, डिटेक्टेबल, रिप्रेहेंसेबल, इसका सभी का मतलब होता है घिनौना, गंदा, नफरत योग, ये सब होता है, ये सब इसको साइनोनिम्स से भाई, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है। चलिए अब एग्जाम दूसरे वर्ड पर चलते हैं। इनिमिटी, इनिमिटी मतलब क्या होता है भाई, इनिमिटी मतलब क्या होता है, दुश्मनी। इनिमिटी मतलब क्या होता है, दुश्मनी, दुश्मनी होता है, दुश्मनी। ये अपना इनिमिटी, इनेमी का जो है नाउन है, ये नाउन है इनिमिटी, है ना। और इसका साइनोनिम्स क्या होता है, फो, फो, फो होता है, फो होता है, एफ ओ ई, एफ ओ ई, फो, फो मीन इनेमी। रिवाइवल, रिवल, रिवल मतलब क्या होता है, रिवल मतलब क्या होता है, रिवल मतलब क्या होता है, दुश्मन, दुश्मनी, है ना। एडवर्सरी मतलब क्या होता है, दुश्मनी, है ना। हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, दुश्मनी। डिस्कॉर्ड मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड मतलब कहते हैं झगड़ालू, जगह दुश्मन तभी तो उससे झगड़ा होगा। एंटागोनिज्म, ये भी वो इसी के साइनोनिम से। होप सो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, है ना। इनमिटी, 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 इसको आप लोग दुश्मनी लिख लीजिएगा हिंदी, मैं बोल रहा हूँ, है ना। फो, रिवाइवल, एडवर्सरी, हॉस्टिलिटी, डिस्कॉर्ड, एंटागोनिज्म। देखिए भाई, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ना है, इसमें जो है ये मत देखे किसका हिंदी निकाल लें, ये हुआ वो, तभी तो हम लोग इंग्लिश सीख नहीं पाते भाई, क्योंकि हम लोग हिंदी के चक्कर में ही पढ़े रहते हैं। जो जैसा लिखा उसको वैसा ही पढ़ लिए, पढ़िए, ठीक है। अगर हिंदी के चक्कर में पढ़ेंगे तो भाई इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे, ये गारंटी है। आप लोग किसी टीचर से भी पूछ लो, यही बताएगा। अगर आप हिंदी के चक्कर में पढ़ेंगे कि हर एक वर्ड का आपको मैं हिंदी बताऊँ, तो भाई ऐसे तो नामुमकिन होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग कमज़ोर होते जाएंगे किसी भी चीज़ का हिंदी। देखिए, हिंदी जो है अपनी मातृभाषा समझता हूँ, लेकिन भाई इंग्लिश तो भाई हर एक एग्जाम में पहले आता है, इसीलिए इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो इंग्लिश को सीखिए, ज़्यादा मत इसमें घुसिए, बाकी इसका हिंदी जानने की मतलब, हिंदी मतलब देखिए, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ना है। अगर हिंदी हर एक चीज़ को जानेंगे तो भाई आप कन्फ्यूज हो जाएंगे दोनों चीज़ में, है ना। जुबिलेंट मतलब क्या होता है, जुबिलेंट मतलब क्या होता है, जुबिलेंट मतलब क्या होता है, खुशहाल। जुबिलेंट मतलब क्या होता है, खुशहाल। जुबिन नौटियाल के गाना सुन के भाई दिल गदगद हो जाता है ना, ये हमने सोच रखा था, है ना, ये वाला गाना, है ना। जुबिलेंट, जे यू बी आई एल ए एन टी, जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब क्या होता है, खुशहाल, है ना, खुशहाल। इसका साइनोनिम क्या होता है, जॉयफुल, है ना, इसको भाई आप लोग जानते होंगे। रिजॉइस, जूस पी के, रिजॉइस, रिजॉइस, जूस पी के जो है वो खुश हो गया, है ना, गर्मी में जूस मिल गया, खुश हो गया, है ना। और अपना क्या है अगला वर्ड, अगला वर्ड अपना क्या है बताइए। इलेटेड भाई, ये रिलेटेड नहीं है, ये इलेटेड है यार, यहाँ से हट जाएगा। इलेटेड, इलेटेड हो जाएगा जुबिलेंट का साइनोनिम्स का मतलब, खुशी से रिलेटेड है। यूफोरिक, यूफोरिक, यूफोरिक,
यूफोरिक बताइए, EUFHORIC, यूफोरिक। यूफोरिक मतलब खुशी है ना। ऑन क्लाउड नाइन ये अपना एक एडियम है, इसका मतलब होता सातवें आसमान पे होना है ना। सातवें आसमान पे होगा तो कोई भाई खुशी ही होगा है ना। जॉली जॉली इसको लोग आप जानते हैं, एक जली आती थी ना अपना खाने के लिए, उसको बच्चे खा के काफ़ी खुश हो जाते थे, वही होता है। ब्लिस, ब्लिस वर्ड भी होता है दुआ से, तो ब्लिसफुल मतलब खुशहाल, खुश रहो है ना। अपना एक अगला वर्ड मिर्थ, मिर्थ मतलब क्या होता है, ये भी खुशी से रिलेटेड जो है, जुबिलियंट का साइनोनिम्स है ना। होप सो बात आपको समझ में आई होगी है ना। समझ में आई है, समझ में आई तो लाइक शेयर करिए। और मिर्थ 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 मतलब ये भी है जुबिलेंट का साइनोनिम, खुशहाल है ना। और एग्जिलरेशन, वो हिलरेशन मतलब इतने मतलब खुश है, मतलब खुश है, खूब ज़्यादा मतलब हंस रहा हूँ। एग्जिलरेशन रिलेट करिए भाई साथ में, चलिए रिवीजन करते हैं। जुबिलेंट का नंबर एक, जुबिलेंट अपना खुशहाल, इसका मतलब होता है, इसको साइनोनिम से होता है जॉयफुल। और रिजॉइस, रिजॉइसिंग, इलेटेड, यूफोरिक, ऑन क्लाउड क्लाउड नाइन, जॉली, ब्लिस, मिर्थ, एक्सिलरेशन, होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपना अगला वर्ड आज का है ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट मतलब क्या होता है भाई बताइए, ब्लैंडिशमेंट मतलब क्या होता है, चापलूस करना, चापलूसी करना। ब्लैंडिशमेंट मतलब क्या होता है, चापलूस है ना। ब्लैंडिशमेंट मतलब क्या होता है, चापलूस। ये क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होता है, ब्लैंडिशमेंट, MENT जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपना नाउन हो जाएगा। मैंने नाउन की क्लास में बताया हुआ है आप लोगों को कैसे पहचानते हैं है ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, चापलूसी करना, चापलूस हो जाएगा क्योंकि नाउन है। और इसका साइनोनिम क्या होता है, फॉमिंग। फॉमिंग मतलब क्या होता है भाई, किसी से मतलब काफ़ी ज़्यादा चापलूस करना है ना। वीडल, वीडल, WHEEDLE, वीडल, ये होता चापलूस से रिलेटेड है ना। कॉक्स, कॉक्स, कॉक्स भाई, कॉक्स, कॉक्स ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉक्स, कॉक्स एग्जाम में आता है ये भाई, चापलूस, चापलूस करना इसका मतलब होता है। इंग्रेसिएटेड, इंग्रेसिएटेड मतलब क्या होता है, ये भी चापलूस, फ्लैटरी तो आप लोग जानते ही होंगे है ना। साइकोफेंसी, साइकोफेंसी मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई जो है अपना काम निकालने के लिए किसी का पैर भी पकड़ लेता है और काफ़ी मतलब चढ़ा देता है कि भाई आप तो महान हैं, ये हुआ वो हुआ, जब उसका काम निकल जाता है भाग जाता है। काजोल, काजोल के, काजोल भी इम्पोर्टेंट भाई, कैजोल, कैजोल, कैजोल भाई, कैजोल, अजय देवगन की कैजोल भाई, कैजोल वो साइको फैंसी चापलूसी करने के लिए है ना, चापलूसी करती है, इसे याद कर लीजिए। अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, तो होता है भाई इसका मतलब मिलावट करके भाई चापलूसी करना, अडल्ट्रेशन है ना, अडल्ट्रेशन उसका अलग ही चल रहा है ना। होप्स वो आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी, इसका हिंदी लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है चापलूसी है ना। और ब्लैंडिशमेंट, BLANDISHMENT, ब्लैंडिशमेंट। फॉमिंग, विडल, कॉक्स, इनग्रेसिएटेड, फ्लैटरी, साइकोफेंसी, कैजोल, अडल्ट्रेशन, ये सभी अपने साइकोफेंसी मतलब चापलूसी से रिलेटेड अपने वर्ड हो गए, साइनोनिम्स। होप्स सो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए अपने आज का अपने अगले वर्ड में चलते हैं, एसिडुएश। एसिडुएश मतलब क्या होता है भाई, मेहनती, मेहनती होता है। एसिडुएश मतलब क्या होता है, मेहनती। एसिडुएश मतलब क्या होता है, मेहनती। आप लोग हिंदी लिखते चलिए, जो लोग हिंदी लिख रहे हैं कॉपी पेन लेकर हिंदी लिखते चलिए। मेहनती होता है एसिडुएश मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। और डिलीजेंट मतलब क्या होता है, डिलीजेंट, डिलीजेंट ये भी मेहनती से रिलेटेड है। दिल्ली के लौंडे जो मुखर्जी नगर में रहते हैं वो मेहनती होते, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एसिडुएश, अस्सी, अस्सी डुअस, अस्सी लस्सी पी के भाई वो काफ़ी मेहनती, एनर्जेटिक हो गया, काफ़ी मेहनती, अब मेहनत करेगा ना। इंडस्ट्रियस भाई, इंडस्ट्री में रहने वाले लोग काफ़ी मेहनत करते हैं है ना, काफ़ी मेहनती होते हैं। लेबोरियस, लेबर से बना है, लेबोरियस भाई लेबर लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं ना। कंसानसियस, कंसाइंसियस मतलब क्या होता है भाई, साइंटिस्ट याद कर लीजिए भाई, कंसानसियस भाई, कंसाइंसिस्ट जो है, साइंसिस्ट, साइंटिस्ट जो है काफ़ी मेहनत करते हैं। पेंस टेकिंग, जो पेन लेके बैठता है भाई वो काफ़ी मेहनत करता है, पेंस टेकिंग, ऐसे याद कर सकते हैं। होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले वर्ड पे, इससे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एसिडुएश, एसिडुएश मतलब क्या होता है, मेहनती। और इसका साइनोनिम क्या होता है, डिलीजेंट।
और इंडस्ट्रियस और लेबोरियस और कंसाइंसियस और पेनस्टेकिंग, ये सभी अपने इसके साइनोनिम्स हैं। और सुबह बात यहाँ तक समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए अब अपने अगले वर्ड पे चलते हैं, बैफल। बैफल को देखते हैं भाई, बैफल बैफल मतलब क्या होता है? बैफल बैफल मतलब क्या होता है भाई? कन्फ्यूज, धुंधला हो जाना, कन्फ्यूज हो जाना। ये बैफल में बैफल मतलब होता है कन्फ्यूज हो जाना। बैफल बैफल का बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया है, बताइए बैफल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया है ना? होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ तक, है ना? तो चलिए इसका साइनोनिम देखते हैं। बैफल मतलब क्या होता है? कोई चीज़ समझ में ना आए, है ना, समझ में ना आए, कन्फ्यूज हो जाना। इसका पहला साइनोनिम क्या है बैफल का? बैफल का साइनोनिम्स है कन्फ्यूज। कन्फ्यूज आप लोग समझते ही होंगे, है ना। वेग मतलब क्या होता है? कोई चीज़ धुंधला पड़ जाना, जैसे कोहरे में धुंधला पड़ जाता है तो भाई कन्फ्यूज हो गए। परप्लेक्स, परप्लेक्स को रिफ्लेक्स से याद करते हैं भाई, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करती है आँख में तो भाई दिखाई नहीं देता है, तो परप्लेक्स मतलब क्या हो जाएगा? परप्लेक्स मतलब क्या होता है? बैफल। बैफल मतलब क्या होता है? धुंधला, कोई चीज़ दिखाई ना देना, कन्फ्यूज हो जाना। एट सी, एट सी मतलब समुद्र में होना। समुद्र में होना भाई, समुद्र में भाई चले जाओगे भाई कन्फ्यूज हो जाओगे। कैसे कन्फ्यूज हो जाओगे भाई? समुद्र में ना कोई जंगल दिखता है, ना कुछ दिखता है, सिर्फ नीला नीला पानी दिखता है, आसमान दिखता है, उसी में आप लोग खो जाएंगे, है ना। एट वंस विट्स एंड, इसको भी याद, एट वंस विट्स एंड, ये क्या होता है भाई? ये भी अपना एक idioms है, इसको याद रखिएगा। ये सभी जो है कन्फ्यूजन से रिलेटेड हैं, बैफल। होप सो बात समझ में आपको यहाँ तक आई होगी। चलिए इसका रिवीजन लगाते हैं। बैफल, बैफल मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज्ड, वेग, परप्लेक्स, एट सी, एट वंस विट्स एंड, ये सभी बैफल से रिलेटेड हैं। होप सो बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक, है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्यूलिएंट, एब्यूलिएंट क्या होता है? एब्यूलिएंट मतलब क्या होता है? एब्यूलिएंट मतलब क्या होता है बताइए? एब्यूलिएंट मतलब क्या होता है बताइए? एब्यूलिएंट मतलब क्या होता है बताओ भाई? एब्यूलिएंट मतलब क्या होता है बताओ भाई? बताओ एब्यूलिएंट मतलब क्या होता है? एब्यूलिएंट मतलब होता है उत्साह। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। एब्यूलिएंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। अब मैंने क्या बताया था? ई एन टी आई सी, ये सभी भी किसी भी सफिक्स में लग जाते थे भाई। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब क्या होता है? उत्साह होता है, उत्साह। होप सो आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। उत्साह होता है, खुशी से कोई चीज़, उत्साह किसी चीज़ का खुशी से उत्साह होता है, है ना। और इसका क्या होता है भाई? मैंने ऊपर बताया था भाई, इलेटेड होता है भाई। टाइपिंग एरर है, रिलेटेड लिख गया है, इलेटेड होगा भाई, खुशी से उत्साह है, है ना। एब्यूलिएंट याद रखिएगा। एब्यूलिएंट, अबे और ले, अबे और लिए, है ना। एब्यूलिएंट, अबे और लिएंट, और लिएंट, है ना, और ले, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इलेटेड है ना, इलेटेड भाई, इलेते जा तो भाई क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, कोई बोलता है लेते जा, है ना भाई, खुश हो जाएगा। एग्जीहिलेशन, एग्जीहिलेशन का मतलब क्या होता है भाई? खुश होता है। जुबिलियंट ये मैंने करवा दिया। बायोंट है ना, बायोंट है ना, बायोंट बताइए, बताइए भाई। किसी इंसान का नेता, वोट का सीजन चल रहा है भाई, किसी ने किसी का वोट खरीद लिया, बायोंट है ना, बायोंट, बाई वोट, बाई वोट, तो भाई किसी ने वोट खरीद लिया, उसको पैसे मिल गए तो वो खुश हो गया भाई, योंट, है ना, है ना। ये हो गया अपना रिलेट करने का। और मेरी, मेरी मतलब क्या होता है भाई? ये भी होता खुश, उत्साह, है ना, खुशी से उत्साह। और क्या होता बताइए? और बताए भाई मेरी। जॉन्टी होता है, जाऊंगा नहीं भाई, ये गलत है, एरर टाइपिंग है। जॉन्टी होता है, जॉन्टी होता, जॉन्टी मतलब क्या होता है भाई? खुशी के मारे उत्साह। यूफोरिक, वो भी खुशी के रिलेटेड। विवाशियस, विवाशियस, वीवो का फ़ोन ले लिया तो भाई खुश हो गया, विवाशियस, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए इसका रिवीजन लगाते हैं। एब्यूलिएंट मतलब क्या होता है? खुशी से, उत्साह से, है ना। इसका साइनोनिम क्या होता है? नंबर एक पे क्या है? इलेटेड, ए आर कट जाएगा यहाँ से, इलेटेड। एग्जीहिलेशन, जुबिलिएंट, बायोंट, मेरी, और क्या ये था, जॉन्टी हो जाएगा। यूफोरिक, विवासियस, वीवो का फ़ोन लेके भाई खुश हो गया है,
होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलिए अपना अगले वर्ड पे चलते हैं। अब बताइए चाओस, काओस मतलब क्या होता है? चाओस काओस ऐसे क्या बोले पढ़ेंगे बताइए? काओस पढ़ेंगे, काओस 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 मतलब क्या होता है भाई? काओस मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, अस्त अस्त व्यस्त, किसी चीज़ का अस्त व्यस्त कर देना मतलब डिसऑर्डर कर देना, मतलब उसको बिगाड़ देना, अस्त व्यस्त कर देना। काओस मतलब क्या होता है? अस्त व्यस्त कर देना, बिगाड़ देना, उसी का साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर, कोई चीज़ ऑर्डर में है उसको बिगाड़ दिया, डिसऑर्डर हो गया उसका। और सुबह समझ में आई होगी, टप्सी ट्रस्ट है ना, टप्सी टप्सी टर्सी, टप्सी टर्सी होगा इसका, होगा टप्सी टर्सी, इसका मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज़ डिसऑर्डर हो गया, अपने ऑर्डर्स बिगड़ गया। अनार्की ये भी अपना होता है डिसऑर्डर भाई, अस्त व्यस्त हो गया कोई चीज़, है ना, अनार्की अनार्की। टमल्ट टमल्ट ये भी डिसऑर्डर से रिलेटेड, कंफ्यूज हो गया भाई, है ना, कोई चीज़ डिसऑर्डर हो गया है तो भाई वो उसको पहचानने में कंफ्यूज हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो होप सो बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक, है ना। बताओ बात समझ में आई है? कौश कौश की साइनोनिम समझ में आया भाई? और इसका आप लोग बताइए क्या हो सकता है वर्ड, बताइए बताइए, मैं बताऊं? देखो कंफ्यूजन हो गया है, एक मिक्सअप हो गया है, कोई चीज़ को मिला दिया गया है ना, एक ही मिला दिया गया है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा भाई, है ना। मिक्सअप हो जाएगा तो भाई डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई चीज़ एक ही मिला दिया जाए, किसी चीज़ को अलग रखा जाएगा ऑर्डर में करने के लिए और आप एक ही मिला दिए हैं तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। और इसका क्या होगा? टर्मोइल, एक अपना टर्मोइल हो जाएगा, टर्मोइल है ना, टर्मोइल, ये टर्मोइल टी यू आर एम ओ आई एल, टर्मोइल। टर्मोइल मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त कर देना। और डिसहरी 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 मतलब क्या होता है? ये भी मतलब होता है डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त, डिसहरी। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। एक अपना और साइनोनिम्स है, क्या है बताइए बताइए? चलिए इतने में से एग्जाम में आ जाएगा, बाकी आप लोग काओस और डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, टमल्ट ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए अब अगले वर्ड पे चलते हैं। आज का अपना अगला वर्ड है डिफर। डिफर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है डिफर, डिफर एग्ज़ाम में आता है डिफर। अरे डफर, जो डफर होते हैं वो लेट कर देते हैं, देर कर देते हैं, डिले कर देते हैं, है ना। कोई भी चीज़ हो जो डफर होते हैं वो डिले कर, डिफर को जो है आप लोग डफर से रिलेट कर सकते हैं, है ना। जो लोग होते हैं डफर, वो लोग जो है डिले कर देते हैं हर एक काम में, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? पोस्टपोन, है ना। पोस्टपोन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की डेट जो है डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, हटा देना। आप लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, तो एग्ज़ाम की डेट आगे पीछे होती रहती है, पोस्टपोन, है ना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अबेयंस 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 भाई ये डफर आदमी है, अबेयंस 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 रिलेट कर सकते हैं। अबेयंस मतलब क्या होता है भाई? अबेयंस मतलब क्या होता है बताइए? अबेयंस मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिले कर देना, है ना। पोस्टपोन पोस्टपोन हो गया है, डिले डिले जानते हैं। और बताइए और बताइए, स्टे ऑफ, स्टे ऑफ मतलब क्या होता है? डिले कर देना, है ना, कोई चीज़ रोक देना, डिले कर देना। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए इसको रिवीजन लगाते हैं। डफर डिफर, डिफर का मतलब क्या होता है भाई? पोस्टपोन, अवेयंस, डिले, है ना, अवेयंस, डिले, और क्या हो जाएगा? स्टे ऑफ। ये हो गया अपना पोस्टपोन से रिलेटेड जितने वर्ड भी थे, साइनोनिम्स हो गए हैं। चलिए आज का अपना अगले वर्ड पे पढ़ते हैं, लेथ। लेथ मतलब क्या होता है? लिथे मतलब क्या होता है भाई? लिथे मतलब क्या होता है भाई? इसका साइनोनिम्स इसका बताइए। लिथे मतलब क्या होता है भाई बताओ? लेथे मतलब क्या होता है बताओ भाई? लेथे मतलब क्या होता है बताओ? लेथे मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है लचीला, नरम। ये इसका लचीला और नरम होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसको नोट करिएगा भाई, क्योंकि मैं जो है टाइप नहीं कर पाया, समय बहुत कम था, तो मैं आप लोग क्लास लेने लगा, रात के 10 बजने वाले हैं, है ना। तो चलिए अब इसको देखते हैं ना। लाइथ, लाइथ मतलब क्या होता है भाई? लाइथ मतलब क्या होता है? लचीला, लचीला होता है, है ना। अब देखिए अपना पहला इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? साइनोनिम पहला क्या हो जाएगा बताइए? लेसोसोम, लेसोसोम।
LISSOME लेसस है, मतलब क्या होता है, लचीला, कोई चीज़ आसानी से टूट जाए, ठीक है। और प्लायंट है ना, प्लायंट होता है भाई, इसको लिख लीजिएगा ठीक है, क्योंकि छोटी स्क्रीन है तो मैं कम लिख पा रहा हूँ, तो आप लोग साथ साथ लिखते जाइएगा। प्लायंट है ना, प्लायंट मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज़ लचीली है। PLIANT प्लायंट, प्लायंट मतलब क्या होता है, लचीला है ना। एजाइल, एजाइल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आसानी से टूट जाए, एजाइल, एजाइल है ना, एजाइल हो जाएगा अपना अगला वर्ड, एजाइल हो जाएगा, कोई चीज़ आसानी से टूट जाए भाई वो नरम ही होगा है ना, एजाइल, एजाइल हो जाएगा अपना। ऑप्शन AGILE एजाइल, एजाइल लाइट का सनोनिम हो जाएगा, लचीला है ना। प्लाईएबल है ना, प्लाई जो है लचीली होती है ना, तो इसको उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट है, प्लाईएबल है ना, प्लाईएबल हो गया अपना, नोट कर लीजिए। PLIABLE प्लाईएबल, प्लाईएबल मतलब क्या होता है, लचीला। निम्बल, निम्बल क्या होता है, नींबू, नींबू लचीला होता है, तभी तो भाई वो मतलब उसका रस जो है निकल आता है, सीन निचोड़ दिया जाता है, निम्बल, निम्बल सो नींबू से याद कर लीजिएगा ना, लचीला होता है निम्बल है ना, निम्बल मतलब क्या होता है, लचीला है ना। सप्पल, सप्पल, सप्पल को चप्पल से याद कर सकते हैं, स्लीपर से चप्पल, चप्पल आप लोग पता होगा ना, सप्पल को चप्पल से याद है कि चप्पल भाई लचीला होता है ना, कभी देखा आप लोगों ने, पहनते हैं भाई डेली, क्या ही मजाक कर रहे हैं सर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का अपना वर्ड है डेराइड। डेराइड मतलब क्या होता है भाई, डेराइड मतलब क्या होता है, खिल्ली ताना है ना। डेराइड मतलब क्या होता है भाई, कोई दिन पे राइड, डेराइड मतलब डेराइड, डे राइड मतलब दिन पे कोई राइड पे जाता है तो उसका भाई रोड पे मतलब काफ़ी तेज़ जो डेराइड करता है, दिन में काफ़ी तेज़ जो बाइक चलाता है उसका रोज मजाक, लोग मजाक बनाते हैं ना, जो लोग अभी गर्मी का दिन चल रहा है कोई दिन में राइड कर रहा है तो उसका लोग मजाक बनाएंगे, कहाँ गर्मी में निकल लिया है, ये हुआ वो हुआ है ना। डेराइड मतलब क्या होता है, खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना या ताना मारना। डेराइड मतलब क्या होता है, ताना मारना, आप लोग भी कीजिएगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होता है, वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है, खिल्ली या ताना, खिल्ली या फिर ताना उड़ाना है ना, ये हो गया अपना डेराइड। अब इसका साइनोनिम देखते हैं भाई, साइनोनिम क्या हो जाएगा अपना इसका डेराइड का, डेराइड मतलब क्या होता है, मॉक, मॉक मतलब क्या होता है, मॉक, मॉक मतलब क्या होता है भाई, मॉक मतलब होता है भाई किसी का मजाक बनाना, मॉक मतलब क्या होता है, किसी का मजाक बनाना है ना, मॉक, मॉकरी ये सब है मजाक बनाना, किसी का ताना उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, ये सब जो है डेराइड मतलब होता है, इसका साइनोनिम मॉक। और इसका साइनोनिम दूसरा क्या हो जाएगा, इंसल्ट, किसी का इंसल्ट कर देना, मजाक बनाना है ना, इंसल्ट, बेइज्जती कर देना। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। आज का अपना वर्ड क्या हो जाएगा, डिस्डेन है ना, डिस्डेन, डिस्डेन मतलब क्या होता है भाई, किसी का मजाक उड़ाना, डिसडेन हो जाएगा। और DISDAIN डिसडेन मतलब क्या हो जाएगा, मजाक बनाना। डिस्पायरेज, डिस्पायरेज भी मतलब क्या हो जाएगा, मौकरी, मजाक बनाना है ना, इंसल्ट, डिसडेन, डिस्पायरेज, डेराइड ये सब मजाक बनाने से हैं, डिस्पायरेज, डिस्पायरेज। DISPARAGE डिस्पैरेज मतलब क्या होता है, मॉक, इंसल्ट, डिस्डेन, डेराइड ये सब होता है, खिल्ली या ताना मारना या फिर मजाक बनाना किसी का। रिडिक्यूल है ना, रिडिक्यूल, रिडिक्यूल मतलब क्या होता है, मजाक बनाना किसी का है ना, रिडिक्यूल है ना। RIDICULE रिडिक्यूल मतलब खिल्ली ताना मारना है ना। जीर है ना, जीर मतलब क्या होता है भाई, जीर मतलब क्या होता है, जीर मतलब होता है, जीर मतलब होता है खिल्ली बनाना, खिल्ली मार उड़ाना, ताना मारना है ना, ताना मारना, खिल्ली उड़ाना है ना। स्कॉफ, स्कॉफ मतलब क्या होता है भाई, गर्मी में स्कॉफ पहन के जाओगे तो भाई मजाक ही बनाएंगे, स्कॉफ, स्कॉफ भाई कान में बांधा जाता है ना गर्ल्स ठंडी में है ना, स्कॉफ मतलब क्या होता है, मजाक, ताना, खिल्ली उड़ाना है ना। अब आप लोग अब आँख बंद करिए और मनन करिए कि आप लोग ने क्या क्या पढ़ा। देखिए डेराइड मतलब क्या होता है, ताना बनाना है ना, खिल्ली उड़ाना,
मॉक मतलब क्या होता है, वो वीवसिक मतलब होता है साइनोनिम्स मॉक, इंसल्ट, डिसडेन, डिस्पायरेस, रेडिकुल, जीर, स्कॉफ, ये सब होता है इसका साइनोनिम्स। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइथ, लाइसोसोम, लिसोम और प्लाइंट, एजाइल, प्लाइएबल, निम्बल, निम्बुन जोड़ देता है भाई वो लचीला होता, सप्पल चप्पल से याद किया था ना, एवलेंट, एलेटेड, एक्जेलेशन, जुबिलेंट, पायोंट, मेरी, जॉन्टी, फोरिक, वीवाइसियस, ये सब जो है खुशी से रिलेटेड थे, ये पिछला मैंने रिवीजन करवा दिया। सीडुएश है ना, डिलीजेंट, मीटिकुलस, शेड्यूलस और इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, कंसाइंटियस, पेंस्टेकिंग, ये सब जो है मेहनत से मेहनती से रिलेटेड हो गया। होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। आज का अपना वर्ड है क्या, हर्डल। हर्डल मतलब क्या होता है भाई, हर्डल मतलब क्या होता है, किसी के रास्ते में रुकावट पैदा करना, रुकावट पैदा करना, रुकावट करना है ना, ये हो गया अपना हर्डल। हर्डल मतलब क्या होता है, रुकावट करना। इसका साइनोनिम क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन बताइए, बताओ भाई, यही होगा ना, बताओ बताओ भाई। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या होता है भाई, देखो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है भाई, कंस्ट्रक्शन क्या आगे काम लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या है, हर्डल है, रुकावट। हर्डल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग रेलवे फाटक पे जाते होंगे, जब ट्रेन जाती है तो ऐसे लगा दी रहता है ना अपने यहाँ, ऐसे लगा दिया, गिरा दिया जाता, सड़क इधर रहती है बीच में गिरा दिया जाता, जब ट्रेन चली जाती है तो उसको फिर ऊपर को उठा दिया जाता है, वो हर्डल होता है। होप सो बात समझ में आ गई होगी। ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ऑब्स्ट्रक्शन को ऑब्स्ट्रक्शन हर्डल होता है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हर्डल, कंस्ट्रक्शन है ना, ये सड़क पे आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा तो आगे जो जो पुलिस वाला होता है ना यहाँ पे सड़क पे लगा देते हैं उसको हर्डल बोलते हैं है ना। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, हिंड्रेंस हो गया, रास्ते में रोड़ा बनना है ना, किसी के काम में रोड़ा बनना। ऑब्स्टेकल हो गया, वो भी भाई रोड़ा बनना होता है भाई, हर्डल होता है इसका साइनोनिम। होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक है ना। जो लोग हिंदी लिखना चाहते हैं, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। होप सो बात आप लोग यहाँ तक समझ में आ गई, तो क्या पढ़ा मैंने, हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल। अब क्लास के लास्ट में हम लोग बताएंगे कैसे वो कैब को लॉन्ग टाइम के लिए याद रखा जा सकता है। देखिए ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग, क्योंकि ट्रिक भाई ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं, एग्ज़ाम में कोई ट्रिक काम नहीं आएगी, मैं खुद एग्ज़ाम देता हूँ, मुझे भी पता है ट्रिक भी कुछ नहीं काम आती। ट्रिक के चक्कर में जो ट्रिक दे रहा है ना, वो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ट्रिक हाँ कहीं कहीं ट्रिक चलता, लेकिन पूरी तरह से आप ट्रिक पर डिपेंड रहेंगे तो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ट्रिक पे डिपेंड मत रहिएगा, ठीक है। अब बताइए आज का अपना अगला वर्ड क्या है भाई, म्यूटीनियस। म्यूटीनियस मतलब क्या होता है, सिपाही म्यूटीनियस ने है, सिपाही विद्रोह है ना। म्यूटीनियस मतलब क्या होता है, विद्रोही। इसका ओ यू एस जिसमें लग जाता है उसका पार्ट सब इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव, और ये क्या हो जाएगा, विद्रोही। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, इसका विद्रोही हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा विद्रोही, ये एडजेक्टिव होता है, ओ यू एस है ना, विद्रोही, म्यूटीनियस है ना। इसका भाई क्या होगा बताइए, बताइए इसका क्या होगा, इसका साइनोनिम होगा क्या, रिबेल। नाम सुने होंगे, रिबल होगा, नोट करिए, रिबल होगा इसका साइनोनिम। और क्या होगा बताइए, रिवोल्यूशनरी होगा। रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होगा, का जो होता है ना, क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, अरे यार विद्रोह में वो क्या बोलते हैं यार, मुंह पे नहीं आ रहा है। रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी होता है, क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है भाई, क्रांतिकारी होता है ना, आर ई वी ओ एल यू टी आई ओ एन ए है ना, ए आर वाई, रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी है ना, विद्रोही, रिबेल। और अपना क्या हो जाएगा, सेडिशियस। सेडिशियस क्या होता है, विद्रोही है ना, सेडिशियस, सेडिशियस ये हो जाएगा अपना विद्रोही। हो सुबह आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। सबवर्स क्या होगा,
सबवर्सिव, सबवर्सिव मतलब क्या होता है इसका, मैं मतलब विद्रोही होता। देखिए भाई मैं काफ़ी साइनोनिम करवा रहा हूँ आप लोग नोट करके इसको जो है। देखिए एक बार सुबह रिवीजन करिए, एक बार दोपहर को रिवीजन करिए, एक बार शाम को रिवीजन करिए, और फिर सुबह उठिए जो पिछला पढ़ा उसको पहले रिवीजन के फिर आगे पढ़िए नया, ऐसे याद करते हैं वो कैब है ना। सबवर्स सबवर्सिव हो जाएगा अपना ये अगला वर्ड सबवर्सिव, ये भी इसका मतलब होता विद्रोह। SUBVERSIVE सबवर्सिव। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ आई। डिसओबीडियंट भाई देखिए जो ओबीडियंट होता है वो भाई आज्ञा का पालन करता है, और जो डिसओबीडियंट होता है भाई आज्ञा का पालन नहीं करता भाई विद्रोही है। तो ये भी इसका साइनोनिम्स हो जाएगा डिसओबीडियंट है ना, ये हो जाएगा अपना इसका साइनोनिम्स। और क्या हो जाएगा एक अपना होता है रिकल्सिट्रेंट, रिकल्सिट्रेंट होता है अपना एक वर्ड होता है रिकल्सिट्रेंट, रिकल्सिट्रेंट RECALCITRANT रिकल्सिट्रेंट मतलब क्या होता है भाई विद्रोही। हो सो बात आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। बताइए इंसर्जेंट एक अपना साइनोनिम होता है इसको भी लिख लीजिए इंसर्जेंट। सब म्यूटीनियस का साइनोनिम है भाई विद्रोह से रिलेटेड, ठीक है इंसर्जेंट आप लोग नोट करते जाइए इंसर्जेंट INSURGENT इंसर्जेंट मतलब क्या होता है भाई विद्रोही। होप सो बात आपको लोगों को यहाँ तक समझ में आई होगी है ना, बात समझ में आई है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपना आज का अगला वर्ड है एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब क्या होता है भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खर्चीला जो फिजूल खर्चा करता है ना, खर्चीला जो फिजूल खर्चा करता है फर्जी में पैसे उड़ाता है ना कुछ भी एक्स्ट्रावेजेंट करता है। EXTRAVAGANT एक्स्ट्रावेजेंट। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी है ना। और इसका साइनोनिम क्या होता है खर्चीला का, इसका साइनोनिम होता है प्रोडिगल, प्रोडिगल है ना, प्रोडिगल है ना, प्रोडिगल PORDIGALE प्रोडिगल मतलब क्या होता है हद से ज़्यादा खर्चा करना। स्पेंड थ्रिफ्ट इसको स्पेंड से याद कर सकते हैं ना, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब क्या हो कर्ज से ज़्यादा खर्च करना। लेविस है ना, लेविस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं चुनिया, हमारे भाषा में बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करिए है ना, बताइए लेविस मतलब क्या होता है भाई इसका भी मतलब होता है चुनिया। होप सो बात आप लोगों को समझ में आई होगी यहाँ तक है ना, एक्स्ट्रावेजेंट का मैंने बताया है। और वेस्टफुल जो फिजूल खर्चा करता है वेस्टफुल है ना। और बताइए बढ़िया है। चलिए प्रीकैरियस क्या होता है भाई, प्रीकैरियस क्या होता है भाई, प्रीकैरियस मतलब क्या था, प्री मतलब होता क्या, प्री मतलब होता पहले, कैरियस मतलब केयर करना, पहले से केयर करना मतलब कोई खतरनाक है ना, डेंजरस है ना, खतरनाक ही मतलब शंका है ना। प्रिकैरियस RO US आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। प्रिकैरियस प्री पहले से ही कैर करके तैयार है ना, प्रिकैरियस है ना, प्रिकैरियस। होप सो बात समझ में आई होगी। इसका मतलब क्या होता है डेंजरस हो, इसका मतलब होता है खतरनाक होता है प्रिकैरियस का मतलब। इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा अपना क्या डेंजरस, डेंजरस हो जाएगा अपना साइनोनिम इसका पहला। और इसका क्या हो जाएगा और बताइए, बताइए डेंजरस बताइए। इनसिक्योर, सिक्योर मतलब क्या होता है साफ सेफ है ना, इनसिक्योर मतलब सेफ नहीं है डेंजरस है, इनसिक्योर हो जाएगा। और बताइए आप लोग बताइए। सर्टेन मतलब क्या है, निश्चित है सेफ है ना। अनसर्टेन मतलब क्या है भाई, निश्चित नहीं है भाई सेफ नहीं है, है ना, कोई चीज़ निश्चित नहीं है अनसर्टेन है तो भाई सेफ नहीं है ना। और क्या हो जाएगा बताइए, बताइए साइनोनिम बताइए भाई बताओ। और क्या हो जाएगा टची, टची हो जाएगा भाई कोई छू छू के भाई उसको काफ़ी ज़्यादा खतरे में डाल दिया है, टची हो जाएगा है ना। और बताइए हजार्डस, ये इम्पोर्टेंट भाई भाई इसको देख लीजिए हजार्डस, ये इसका साइनोनिम हो जाएगा। होप सो बात आपको यहाँ से समझ में, एक सेफ मतलब होता है सुरक्षित, और अनसेफ क्या हो जाएगा भाई, अनसेफ क्या हो जाएगा,
अनसेफ हो जाएगा, सुरक्षित नहीं है, खतरे में है। होप्स बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तो चलिए आज के अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। कितना बचा हुआ है? बस थोड़ा सा बचा हुआ है। प्रिकेरियस हो गया ना, कैटास्ट्रोफ हो गया। कैटास्ट्रोफ नहीं हुआ था। कैटास्ट्रोफ नहीं हुआ था ना अपना। कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब क्या होता है बताइए? कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है आपदा। कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है भाई? आपदा। आपदा मतलब क्या होता है भाई? आपदा मतलब क्या होता है भाई? कोई दुख आ जाना अचानक से, काफ़ी अस्त व्यस्त, मतलब काफ़ी सब कुछ बर्बाद हो जाना, लूट जाना, इसका मतलब होता है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ मतलब क्या होता है? आपदा आ जाना। आपदा कोई चीज़ बता के नहीं आती आपदा, तो ये आपदा हो जाएगा, है ना? आपदा है ना। कैटास्ट्रोफ मतलब क्या हो जाएगा भाई? आपदा हो जाएगा। और इसका साइनोनिम क्या होगा? डिजास्टर, तबाही। डिजास्टर, तबाही, ये काफ़ी बड़े मात्रा में कैटास्ट्रोफ आता है। जैसे कि मैंने रील में देखा था, जो अभी क्या बोलते हैं उसका, हमास क्या था वो, हमास नहीं, अरे यार, इजराइल, और आप लोग बताइए, ये डिजास्टर हो जाएगा, है ना। कैटास्लाइज मतलब वो कैटास्ट्रोफ से ही बना हुआ, कैटास्लाइज में हो जाएगा, ये भी तबाही से रिलेटेड है ना। फेमाइन मतलब क्या हो जाएगा भाई? फेमाइन, फेमाइन भी, फेमाइन बताइए, फेमाइन, फेमाइन मतलब क्या होता है बताइए? भुखमरी होता है। फेमाइन मतलब क्या होता है? भुखमरी होता है, भुखमरी होता है, भुखमरी भाई, आपदा आई है तभी तो भुखमरी है ना, कैटास्ट्रोफ है। स्टारवेशन क्या होता है भाई? स्टारवेशन क्या है? भुखमरी, ये भी होता है ना, स्टारवेशन। क्लैमिटी, क्लैमिटी ये इंपॉर्टेंट है, ये तीन जितने भी लिखे हुए हैं सब इंपॉर्टेंट है। क्लैमिटी मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपदा आ जाना, है ना, अचानक से। डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपदा आ जाना, ना। होप्सू कैटास्ट्रोफ का साइनोनिम्स आप लोगों को बात समझ में आई होगी, है ना। कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, कैटास्लाइज, फेनाइम, फेमाइन, है ना, स्टारवेशन, क्लैमिटी, डाउनफॉल, ये सभी जो है अपना कैटास्ट्रोफ का जो है साइनोनिम हो गया। इसका मतलब क्या होता है? आपदा आ जाना, ना। कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर, कैटास्लाइज, फेमाइन, स्टारवेशन, क्लैमिटी, डाउनफॉल, ये सभी जो है अपने कैटास्ट्रोफ, तबाही से रिलेटेड अपनी सभी वर्ड हो गए हैं। और शुभ बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले वर्ड पे पढ़ते हैं आज के, है ना, आज के अपने वर्ड पे पढ़ते हैं अगले, आज के अपने अगले वर्ड पे पढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है अपना? एग्जोनरेट। एग्जोनरेट मतलब क्या होता है भाई? एग्जोनरेट मतलब क्या होता है बताइए? एग्जोनरेट का पहले बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एट, मैंने क्या बताया था ना उनमें, एट आएगा जिसके लास्ट में वो वर्ब होगा अपना, है ना, वर्ब मतलब क्रिया। इसका मतलब क्या होता है? एग्जोनरेट मतलब क्या होता है? आरोप मुक्त कर देना, है ना, आरोप मुक्त कर देना, मतलब माफ़ कर देना, आरोप मुक्त कर देना, बरी कर देना, आरोप मुक्त कर देना। आप लोग लिख लीजिए इसका हिंदी पहले, फिर इसका साइनोनिम करेंगे, है ना। साइनोनिम क्या होता है इसका भाई? एग्जेम्प्ट होगा इसका साइनोनिम। इसका साइनोनिम क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट होगा इसका साइनोनिम, EXEMPT, एग्जेम्प्ट होगा इसका साइनोनिम्स, है ना। जस्टिफाई होगा इसका साइनोनिम्स भाई, कोई चीज़ किसी चीज़ को मतलब आरोप मुक्त हो गया, आरोपी नहीं था तो उसको जस्टिफाई किया गया है पहले, है ना, जस्टिफाई किया गया है तभी तो भाई वो आरोप मुक्त साबित हुआ है, जस्टिफाई। और क्या हो जाएगा? अक्विट। अक्विट मतलब क्या होता है भाई? छोड़ देना, है ना, बरी कर देना, अक्विट, है ना, अक्विट, ACQUIT, अक्विट। अक्विट मतलब क्या होता है? छोड़ देना, बरी कर देना, है ना। एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट मतलब क्या होता है भाई? आरोप मुक्त कर देना, आरोप मुक्त। इसका अगला साइनोनिम क्या हो जाएगा? एक्सकल्पेट हो जाएगा, EXCULPAT, है ना, एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट मतलब एक्सकल्पेट, एक्सकल्पेट मतलब क्या हो जाएगा भाई? आरोप मुक्त कर देना। होप्स बात आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, विंडिक्टिव। एक वर्ड अपना होता है विंडिक्टिव, विंडिक्टिव होता है अपना एक वर्ड। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है, है ना,
विंडिक्टिव मतलब क्या होता है भाई, आरोप मुक्त कर। अब सॉल्व, अब सॉल्व ये इंपॉर्टेंट है, अब सॉल्व मैटर सॉल्व हो गया, उसको आरोप मुक्त कर दो, है ना। आरोप मुक्त अब सॉल्व, ABSOLVE अब सॉल्व। अब सॉल्व मतलब क्या होता है, मुक्त कर देना। रिलीज, किसी को कैद किया गया है उसको रिलीज कर देना, है ना। रिलीज हो जाएगा अपना रवर्ड, रिलीज हो जाएगा। तो बताइए मैंने क्या क्या बताया, आप लोग लिखे होंगे, इसका रिविजन करिए मेरे साथ साथ। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब क्या होता है, आरोप मुक्त कर देना। इसका पार्ट सब इस बीच क्या होता है, वर्ब होता है। एग्जेम्प्ट होता है, जस्टिफाई होता है, अक्विट होता है, एक्सकल्पेट होता है, विंडिक्टिव होता है, एब्सॉल्व होता है, रिलीज होता है। ये सभी क्या है, आरोप मुक्त कर देना, छोड़ देना। हो सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए अब अगले वर्ड पे चलते हैं आज के। जाइगेंटिक का मतलब क्या होता है, जाइगेंटिक का मतलब क्या होता है, विशाल काय, विशाल होता है मतलब बड़ा, विशाल काय मतलब बड़ा, विशाल काय, विशाल काय मतलब क्या होता है, बड़ा, काफ़ी बड़ा, विशाल काय काफ़ी बड़ा, है ना, काफ़ी बड़ा। जाइगेंटिक गाइगेंटिक, है ना, गाइगेंटिक, है ना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाए, क्लोसल। क्लोसल मतलब क्या होता है, काफ़ी बड़ा, है ना, बड़ी मात, बड़ी कोई चीज़ बड़ी से, हाथी होता बड़ा होता ना, तो ह्यूज हो जाएगा, इमेंस हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा, क्लोजल हो गया। ये सभी जो है इसको साइनोनिम्स है। होप सो बात आपको समझ में आई होगी। आप लोग हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख पा रहे होंगे साथ साथ। गाइगेंटिक, क्लोजल, इनॉर्मस, इमेंस, ह्यूज, ये सब इसके क्या हो गए हैं, ये सब इसके साइनोनिम्स हो गए हैं। होप सो बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, इसी कड़ी के, है ना। होप सो आप लोगों ने इसका जो कल पट कर लिया होगा, बस थोड़ा ही बचा है। टमल्टुअस मतलब क्या होता है भाई, टमल्टुअस मतलब क्या होता है, पहले बताइए। ओ यू एस क्या बताया था मैंने, एडजेक्टिव हो जाता है टमल्टुअस। इसका मतलब क्या होता है, अशांत, अशांत। अभी मैंने बताया था टमल्ट, टमल्ट मैंने बताया था ना, डिसऑर्डर, है ना, सब कुछ टमल्ट, है ना, अस्त व्यस्त कर देना, है ना। तो अशांत, टमल्टुअस, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और सुबह बात आपके समझ में आई होगी। टमल्टुअस, टमल्टस मतलब क्या होता है, अशांत। टमल्टुअस मतलब क्या होता है, अशांत। होप सो आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो आसान का साइनोनिम्स कर देंगे भाई, टमल्टुअस का साइनोनिम करेंगे टर्बुलेंट, 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 टर्बुलेंट। भाई वो टर्रा रहा है, टर्रा रहा है, हमारे यहाँ टर्राना क्या बोलते हैं, ज़्यादा बोलना। TURBULENT, टर्बुलेंट मतलब क्या होता है, टर्बुलेंट मतलब होता है अशांत। होप सो आप लोगों को बात यहाँ तक समझ में आई होगी। तो चलिए इसका अगलो साइनोनिम्स करते हैं, टेम्पेस्टुअस। एक अपना वर्ड होता है टेम्पेस्टुअस, टमल्टुअस मतलब अशांत का साइनोनिम क्या होता है, टर्बुलेंट और टेम्पेस्टुअस। टेम्पेस्टुअस मतलब क्या होता है भाई, अशांत। टेम्पेस्टुअस, टेम्पेस्टुअस मतलब क्या होता है, आसान। TEMPESTUOUS, टेम्पेस्टुअस मतलब क्या होता है, अशांत। होप सो बात आपको समझ में आई होगी, है ना। टेम्पेस्टुअस मतलब क्या होता है, अशांत, अशांत, अशांत। टर्बुलेंट, टमल्टुअस, ये सब मतलब आसान होता है। और क्या होता है इसका वर्ड बताइए, बताइए इसका मतलब क्या होता है, लाउड हो जाएगा। इसको तो आप लोग पता ही होगा, काफ़ी लाउड है तो भाई काफ़ी साउंड है, लाउड हो जाएगा इसका साइनोनिम, है ना। थंडरस हो जाएगा, थंडरस, थंडरस मतलब क्या होता है भाई, थंडरस, थंडरस, बवंडर, है ना, आसान। थंडरस, THUNDERROUS, थंडरस मतलब क्या होता है, आसान, है ना, है ना। अप्रोरियस, अप्रोरियस मतलब गरजना होता है ना, गर्जन जैसा। अप्रोरियस, अप्रोरियस मतलब क्या होता है, गरजने से रिलेटेड हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, है ना, है ना। होप सो बात आपको समझ। एक अपना वर्ड हो जाएगा नोजी, नोइजी, नोइजी, इसको भूले जा रहे थे, नोइजी हो जाएगा। होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक, है ना। चलिए अगला वर्ड देखते हैं अपना, है ना। अपना अगला वर्ड है रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या होता है, डिपेंड होना किसी पे, मतलब निर्भर रहना, है ना, डिपेंडेबल, है ना, डिपेंडेबल, रिलायबल। डिपेंड के साथ में प्रीपोजिशन क्या होता है, ऑन आता है, काउंट ऑन आता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी पे निर्भर रहना, रिलाई ऑन, तो आप लोग पता हो किसी दूसरे पे निर्भर रहना, इसका हो जाएगा साइनोनिम्स, है ना। रिलायबल, डिपेंड, काउंट, रिलाई ऑन, ये सब हो जाएगा इसका
साइन ऑन एंड सॉफ्ट सी बात आपको समझ में आई होगी। एंथेमा मतलब क्या होता है भाई, एंथेमा मतलब क्या होता है भाई, एंथेमा या इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या, नाउन होता है ना। इसका मतलब क्या होता है एंथेमा, एंथेमा मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप मतलब क्या होता है, शराब। शराब पहले देते थे ना पुरानी मूवी में देखेंगे तो, मैं आपको शराब देता हूँ कि आप हमेशा ज़िंदगी के लिए अंधे रहेंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो। अंधा नहीं रहे कोई भी है ना, आपकी शादी नहीं होगी अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो, ये हुआ वो हुआ, मैं शराब देता हूँ आप लोगों को है ना। चलिए एंथेमा मतलब क्या होता है, अभिशाप शराब देना है ना। चलिए काफ़ी देर हो गई है तो एक शायर व शायरी हो जाता है कि जब आँखों में अरमान लिया कि मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, तो है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये मेरे सभी नेवी जवानों के लिए है भाई, जब ठान लिया तो ठान लिया है ना। हमको जाना है इस बार नेवी में तो जाना है इस बार है ना। तो भाई इसी के साथ में होप्स आप लोग बात समझ में आई होगी। तो चलिए अगला इसकी एंथेमा के आगे करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अभिशाप शराब देना, क्या हो जाएगा इसका, इसका मतलब क्या, बैन बैन हो जाएगा इसका मतलब, शराब हो जाएगा, BAN बैन है ना, कर्स हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है, CURSE कर्स। कर्स मतलब क्या हो जाएगा भाई, अभिशाप हो जाएगा है ना, कि किसी चीज़ का मतलब शराब दे देना है ना। इम्प्रीकेशन मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्रीकेशन मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब अभिशाप हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इम्प्रीकेशन, इम्प्रीकेशन इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, अभिशाप हो जाएगा है ना। मेलेडिक्शन, मेलेडिक्शन मतलब मेल जिसके सामने मतलब प्रीफिक्स में आ जाता है वो जो है मतलब निगेटिव जाता है, मतलब उसका कोई निगेटिव अर्थ होता है। मेलेडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, मेलेडिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अभिशाप श्राप देना है ना, है ना। डोमिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी अपना श्राप देने से रिलेटेड है, डोमिनेशन क्या हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए याद करिएगा ठीक, देख देख के। जो लोग PDF के चक्कर में होंगे भाई, PDF में पूरा मैंने लिखा ही नोट ही नहीं किया, PDF दूंगा मैं इसका, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, लेकिन जो मैंने छोड़ छोड़ के लिखा है वो भाई क्लास देखे बिना कैसे लिख लेंगे, आप क्लास देखना पड़ेगा, क्लास देखेंगे भाई आवाज़ कान में जाएगी, आवाज़ कान में जाएगी तो भाई लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा। और ट्रिक तो मैं बताऊँगा नहीं ज़्यादा, जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी उस ट्रिक बताऊँगा, लेकिन हर जगह ट्रिक सही नहीं है ठीक है। चलिए अपने अगले वर्ड पर चलते हैं आज की। सोलिटरी का मतलब क्या होता है भाई, सोलिटरी का मतलब क्या होता है, सोलिटरी मतलब क्या होता है, अकेलापन, अकेला। सोलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेला है ना। और लोनली तो आप लोग पता होगा, लोनली लोनली अकेला है ना। सिंगलर हो जाएगा अकेला, अलोन हो जाएगा अकेला, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे है ना। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब क्या होता है भाई, वर्चुअस मतलब क्या होता है, वर्चुअस मतलब होता है धार्मिक, वर्चुअस मतलब क्या होता है धार्मिक, इसका साइनोनिम क्या होता है, पायस। पायस मतलब क्या होता है धार्मिक है ना। और चेस्ट, CHASTE चेस्ट, पायस, PIOUS पायस, VIRTTUOUS वर्चुअस, वर्चुअस मतलब क्या धार्मिक, ये अपना एडजेक्टिव मैंने बताया पहले भी। हॉली मतलब क्या होता है, हॉली मतलब क्या होता है भाई, इससे तो सबको पता ही होगा, हॉली मतलब क्या होता है, ये होता है पवित्र है ना, है ना। राइटियस मतलब क्या होता है, राइटियस, राइटियस मतलब क्या होता है, ये भी पवित्र होता है, राइटियस। और उस बात आप समझ आए, इथिकल, इथिकल मोरल, ये सभी जो है अपने धार्मिक से रिलेटेड हो जाएंगे ठीक है। इथिकल नैतिक, मोरल नैतिक है ना, धार्मिक है ना, मोरल हो जाएगा इसका साइनोनिम। आई होप आप लोगों ने सभी को याद, सभी को लिख लिया होगा और लिख के याद करेंगे। और चलिए अपने लास्ट थर्ड नंबर पे, स्पोराडिक, स्पोराडिक मतलब क्या होता है भाई, स्पोराडिक मतलब क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी होता है ना, एक दिन छोड़ के एक दिन ना, ऐसे स्पोराडिक कभी कभी। स्कैटर्ड हो जाएगा इसका साइनोनिम, ओकेजनल हो जाएगा कभी कभी है ना, इनफ्रीक्वेंट हो जाएगा है ना, फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, इनफ्रीक्वेंट मतलब कभी कभी, इसका साइनोनिम हो जाएगा। और सुबह समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब बताइए विंडिक्टिव क्या होता है,
विंडिक्टिव क्या होता है? विंडिक्टिव होता क्या? विंडिक्टिव का एक ही साइनोनिम से रिवेंजफुल, बदला लेना, रिवेंजफुल है ना, विंडिक्टिव हो जाएगा। चलिए आज के अपने लास्ट वर्ड पे चलते हैं, लास्ट लास्ट सेकंड पे। विवाशियस मतलब क्या होता है भाई? विवाशियस वीवो को फ़ोन लेके वो खुद को शक्तिशाली समझता है। विवाशियस मतलब क्या हो जाएगा? शक्तिशाली है ना, शक्तिशाली हो जाएगा, शक्तिशाली। जॉली, जॉली भी शक्तिशाली होता। माइटी, माइटी राजू देखा है? शक्तिशाली उसका मतलब होता माइटी है ना, माइटी हो जाएगा। कार्टून आता एनर्जेटिक तो पता ही होगा, एनिमेटेड हो जाएगा, एनर्जेटिक मतलब शक्तिशाली, लाइवली है ना, जो जिंदा शक्तिशाली भाई, शक्ति उसके अंदर कुछ ना कुछ, लाइवली हो जाएगा। स्पार्की हो जाएगा, स्पार्क का जूता भाई शक्तिशाली होता है, फाटता नहीं है, है ना। होप सो बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, आप लोग नोट कर लिए होंगे है ना। वंडर का मतलब क्या होता है भाई? वंडर का मतलब क्या होता है? वंडर का मतलब क्या होता है? वंडर का मतलब होता है घूमना धीरे धीरे, एक मतलब छोटी छोटी चाल में घूमना। वंडर मतलब क्या होता है? घूमना है ना। वंडर मतलब क्या होता है? घूमना, घूमना मतलब थोड़ा थोड़ा घूमना है ना। एस्ट्राल हो जाएगा, स्ट्राल हो, वेंडर है, वंडर नहीं, वंडर नहीं, वंडर मतलब शानदार, वंडर मतलब होता है घूमना है ना। स्ट्राल हो जाएगा घूमने का मीनिंग, और वॉक हो जाएगा, रोम हो जाएगा, डिवाइस हो जाएगा है ना। हो सु बात आप लोग उससे डेविएट है भाई, सॉरी भाई, डेविएट हो जाएगा, रोम हो जाएगा, ये सब जो है घूमने से रिलेटेड है, हल्की हल्की घूमी करना है ना। हो सु बात आपको यहाँ तक काफ़ी मैंने अच्छा जो भी वो कैब कराया है, ये अपना क्लास यहीं तक रहेगा आज का। जो भी मैंने वो कैब कराया है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, प्रीवियस ईयर है, आप लोग जो है मिस मत करिएगा, और डेली बेसिस पे इसको याद करते जाइए। तो चलिए भाई इसी के साथ में मैं अपनी वीना को विराम देता हूँ, और बताइए भाई एक बार मज़ा आया क्लास करके? कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट भाई ज़रूर करिएगा है ना। और मैं लास्ट में बताना चाहूँगा आप लोगों को भाई, वो कैब को एक बार सुबह रिवीजन करना है, एक बार दोपहर को, एक बार जितनी बार हो सके, मिनिमम तीन बार तो रिवीजन करना ही करना है वो कैब को, लिख लिख के याद करना है। इस पर आपको स्पेलिंग एरर में भी आप लोगों को जो है हेल्प मिलेगा अगर लिख लिख के याद करेंगे है ना। होप सो बात आप लोगों को समझ में, जितना कहा है उतना करेंगे तो भाई अब की बार आपका वर्दी आपकी है ना, वर्दी अगर लेना चाहते हैं तो भाई कितना तो करना पड़ेगा।